हाय, चलो मैं आप लोगों को सब एक बात सुनाती हूँ। आज मुझे तो बहुत हंसी लगा। आई होप कि यू गाइज ऑल्सो स्माइलिंग। यस, आज कुछ ऐसे डिस्कशन नॉर्मली चल रहा था घर पे, किसी ने बड़े गुरुजन ने मुझे बोले, मैंने कहीं पे एस्ट्रोलॉजी दिखा हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी बोलते जातक वगैरह दिखाते हैं ना, तो ऐसे कुछ होने वाला है तो तुम ऐसे मत करो। मैं तो सडनली बहुत हंसने लगी, तो मैं सबको बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत हंसी आया। मैंने सडनली आंसर दे दिया, ऐसे क्यों होगा? अगर कोरोना आया है बोल के एस्ट्रोलॉजी को पता हो जाता तो ऐसे थोड़ी हो जाता, इतना लोग मर जाते, कम से कम इतना लोग का जॉब बच जाता, गवर्नमेंट ने पहले से कुछ स्टेप ले लेता। तो बहुत गुस्सा हो गए, चिल्लाते हुए मुझे बोले, तुमको मैंने बोला ना प्रेशराइज करके, फिल्टराइज करके ऐसा मत करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज लिप्सा, योर अगेन बैक विथ न्यू टॉपिक। वो ऐसा मत करो क्या है, कैन यू फिर सिमाजन क्या है? यस, कैन यू एवर लिसन द वर्ड FEAR? यस, इट्स फियर। हाउ टू रीड फियर, दिस इज व्हाट टुडेस टॉपिक। द सिंपल वन वर्ड विच आई लाइक टू से, रिमूव एफ फ्रॉम फियर, इट्स ईयर। डोंट लिसन फियर बाय द ईयर। This is my dialogue. I could say it's complicated, but yes, definitely true. आदमी जब दिमाग से सोच लेता है ना, ऐसा मत करो ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर के बारे में सोचता है, खुद को पैनिक करता है, वाइब्रेट होता है, नर्वस होता है, दैट इज कॉल्ड फियर। उसको रिमूव कैसे होना है, बी कूल, डोंट थिंक मच। अपना दिमाग को इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो, जरूरत क्या है स्ट्रेस देने का? दिमाग तो है ये, अभी आपको क्या करना है उसमें आप कंसंट्रेट करो, उसके लिए काम करो, उसके लिए प्लान करो, मुझ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या होगा मत सोचो। जो दिमाग, जो गॉड जो क्रिएट किए हैं ना, वो खुद जान के रखे हैं आपका फ्यूचर क्या होगा। आप सोचने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, तो क्यों सोच के पैनिक होना है, क्यों सोच के डरना है? आदमी जब ज्यादा सोच लेता है और दिमाग को ज्यादा प्रेशराइज देता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है क्या हुआ क्या होगा, तभी फियर आता है, डर के मरा हुआ वो कुछ नहीं करता है। कभी दिखे हो लोग स्टेज पे जाते बहुत अच्छा बोलते, कभी कभी स्टेज पे जाते नहीं तो न्यूली जो बोलने जाता है, इतना सारा लोग को देख के, ऑडियंस को देख के क्या होता है, हिलने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, नर्वसनेस होता है। यस, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तभी क्या होता है, वो बहुत सोच लेता है, ओ माय गॉड इतना लोग है, मैं नहीं बोल पाऊंगी, कुछ गलत बोल दूंगी तो क्या होगा क्या नहीं। सोचने की वजह से ना खुद नर्वस हो जाता है और वहां पे उसका परफॉर्मेंस खराब कर लेता है। कभी कभी देखे हो बच्चे लोग सोचते हैं एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, ओ माय गॉड क्या होगा क्या होगा, इसे सोच के वो बहुत डिप्रेस रहते हैं। तो दिस ऑल इज कमिंग टू फियर। हम लोग डरते हैं आगे क्या होगा, दिमाग को स्ट्रेस डालते हैं, इसीलिए आगे के बारे में नहीं सोच पाते, उसी पर्टिकुलर टाइम को खराब कर लेते, खुद को डिजीज लाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। यस, तो ओनली वन वर्ड फियर को निकालने के लिए, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा स्ट्रेस मत दो, फ्यूचर में क्या होगा मत सोचो। यस, मैं कभी हारता नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं खुद को कभी हारा हुआ सोचती नहीं हूँ। इंसान कभी हारता नहीं है, इंसान हार जाता है जब वो अपने को हारता हुआ सोचता है। यस, सिमिलर वे मैं कभी डरती नहीं हूँ, दिस इज माई एटीट्यूड। यस, बिकॉज मैं कभी डरा हुआ सोचता नहीं हूँ, जो होगा दिखा जाएगा, आई एम स्ट्रॉन्ग बोल्ड। इसलिए इंसान कभी डरता नहीं है, इंसान तभी डरता है जो दिमाग में ज्यादा सोचता है मैं डर गया हूँ। यस, दिस इज व्हाट टुडेज टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस। फियर, रिमूव एफ, इट इज ईयर, डोंट लिसन फियर बाय योर ईयर। थैंक यू, बाय।